विभिन्न देशों के नियमों का पालन करें। झूले झूलने से पहले गेट द्वार पर सैनिटाइज करें। आप सीसीटीवी पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से झांसी में। दोस्तों, झांसी में लगा है बुंदेलखंड का मशहूर मेला ड्रीमलैंड झांसी महोत्सव। यदि आप ड्रीमलैंड महोत्सव में घूम चुके हैं तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि आप अभी तक ड्रीमलैंड महोत्सव में नहीं गए हैं तो निराश होने की बात नहीं है दोस्तों। हम आपको बताएंगे कि इस बार के महोत्सव में क्या खास है, क्या नया है। तो दोस्तों, चलिए एक छोटे से सफ़र पे हम आपको ले चलते हैं, जिसमें होगा भरपूर मस्ती, रोमांचक और स्वादिष्ट व्यंजनों का साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झांसी की हर एक पॉजिटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है दोस्तों। और साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर वो अभी तक झांसी महोत्सव को नहीं घूमे हो तो। दोस्तों, वो भी आनंद इस वीडियो के साथ ले सकें ड्रीमलैंड झांसी महोत्सव का, क्योंकि कहते हैं ना कि शेयर करने से बढ़ता है प्यार और वो प्यार करने से बढ़ता है परिवार। तो इसी के साथ दिल से झांसी के साथ जुड़े रहें और झांसी की पॉजिटिव वीडियो का आनंद लेते रहें। दोस्तों, बच्चों के लिए लगा है छोटे छोटे झूलों का मेला, और जिसमें बच्चे भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइक्स और राठौर जी की भेलपूड़ी का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, जो भेलपूड़ी में मज़ा आता है दोस्तों। ये ड्रैगन झूला बड़ा खतरनाक लगता है मेरे को भी। मैंने जब इसे पहली बार में बैठा था तो जो पेट में कुड़कुड़ी हुई ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी, और साथ ही साथ बहुत मज़ा आया था। तो आपको पहली बार आप कब बैठे ड्रैगन झूले में, तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। साथ ही साथ चलते हैं, कभी आप ब्रेक डांस में बैठे हैं तो उसमें ना तो ब्रेक होते हैं और ना डांस होता है। चलिए, बड़े बड़े झूलों का आनंद लें और मस्ती से अपने इस ड्रीमलैंड महोत्सव का भरपूर आनंद लें। स्वादिष्ट व्यंजन खाएं, मस्त रहें, आवाज रहें। और टिक्कियों की जो बात ही अलग है, आलू की टिक्किया, ओह माय गॉड, मस्त लगती है भाई साहब, एक नंबर। खाने में जो मज़ा है ना, बहुत बढ़िया। कभी आपने डलिया वाली चाट खाई है? मैंने भी पहली बार सुना, भैया ने मुझे बताया कि डलिया वाली चाट खाइए और मस्त हो जाइए। और ऐसा तो मुँह में पानी आ गया। अरे भैया, आप तो आया पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़े का भी आनंद लेते हैं। और भैया जी, आप दिखाएंगे लगता है मुझे बेहतरीन वाला पिज़्ज़ा। अरे भैया, पनीर पिज़्ज़ा दिखा रहे हैं भाई साहब, अरे मुँह में पानी आ गया, तगड़ा वाला भाई। अरे आप भी जाइए ड्रीमलैंड में, पिज़्ज़ा कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए साथ जाइए और खा के आइए। अरे राठौर जी फिर से आ गए, लगता है जो आप भेलपूड़ी बना के खिला के ही मानेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या भेलपूड़ी बनाते हैं। तो चलिए, साथ ही साथ इनके साथ भेलपूड़ी का थोड़ा आनंद लें। खट्टी मीठी चटनियों का तो आनंद ही अलग है दोस्तों। नमकीन भी डाला है। अरे भैया, दूध तो पियेंगे तभी तो बनेंगे बलवान, और तभी तो मेला घूमने की एनर्जी भी आएगी। कुल्लड़ वाला दूध की तो बात ही अलग है, जो कुल्लड़ की तासी और मिठास है, वाह। साथ ही साथ कहेंगे एमपी वाले कहाँ से आ गए यूपी में? अरे एमपी स्नैक्स हैं भैया, एमपी यूपी नहीं। इनके फ्रेंच फ्राइज खाए, वाह मस्त, क्रिस्पी बिल्कुल, एक नंबर, मुँह में पानी आ जाए, देख के तो पानी आ ही रहा है यार। अचारी वाले खाइए, बहुत बढ़िया है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अरे भूत बंगला कहाँ से आ गया यहाँ पे? हॉन्टेड हाउस, अरे भैया इसके अंदर मैं गया था, भूती भूत मिले यार, कभी मत जाना। बच्चों के लिए लगे हैं छोटे से झूले, नहीं ये तो बोट है, बोट। बढ़िया आनंद ले रहे हैं कुछ बच्चे, देखिए वाह। अरे तंदूरी छोले कुलचे, अरे अरे तंदूरी छोले कुलचे का तो मज़ा ही अलग है भाई साहब, के डोसे भी मिलते हैं, पावजी मिलती हैं, बर्गर, आलू टिकिया। अरे मोती चूर के नहीं है शायद, ये कोई आटे के लड्डू लग रहे हैं मेरे को। दाल बाटी भी लग रही है मेरे को तो। मूंग का दाल का हलवा भी खाएँ और मस्त हो जाएँ।
देखते हैं भाई साहब जो कुछ खिलाते हैं। अरे चावल है, राइस है जी, क्या दाल मखनी लग रही है मेरे को तो। हाँ नहीं उधर भरता था, ये दाल मखनी है। अरे मुंह में पानी आ गया। अरे बस खाने खाने के बाद एक कॉफ़ी मिल जाए महावीर जी की तो आनंद ही आनंद है। अरे झांसी मौसम में या ड्रीमलैंड में अगर आपको अचार ना मिले तो मौसम ही फीका लगता है। खाएंगे मस्त रहेंगे अचार। अचार तो वैसे लेडीज़ को पसंद है खैर, मगर उनके लिए सबसे ज़्यादा अचार ही अचार देखे मेरे को उस मेले में। तो खाइए अचार का आनंद लीजिए। वैसे आपको कौन सा अचार पसंद है फेवरेट कमेंट करके बताइएगा तो आगे आपको मज़ा आएगा। ठीक है चलते हैं आगे। मुखवास खिला रहे लगता है ये इस बार। मुखवास ये छोटे छोटे मुखवास होते हैं ना बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को तो। भाई साहब कप आ गए कप। अगर कप का जो मज़ा है ना वो चाय पीने में, अगर चाय का जो मज़ा है तो उसके इसमें कप। ये अच्छे कुल्लड़ भी मिलते हैं भाई साहब आर्टिफिशियल, आजकल तो आर्टिफिशियल ही हो गई है। मेले का आनंद लीजिए, नई नई चीज़ देखिए, आइए घूमिए मस्ती से, अपने भाइयों बहनों को दोस्तों को परिवार को बताइए। कपड़े लीजिए नए नए बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं क्या बढ़िया, भाई अपना भेज रहा है कपड़े ने। भाई ने स्पेशली बोला कि भाई मेरा एक शॉट अच्छा सा लेना और मेरी वीडियो हाईलाइट करना, तो इसलिए मैंने कुछ थोड़ी एडिटिंग की हुई है। भाई लेडीज़ों का गहना आ गया है, लेडीज़ों की आन वान शान गहना। दोस्तों चैनल पर यूट्यूब चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा और शादी तक मज़ा आएगा। फिर से गाजर का हलवा अगर सर्दियों में ना खाया जाए तो बेमानी होती है। गाजर का हलवा हा हा हा, खुशबू तो बहुत तगड़ी आ रही है। और एक गुजिया हा हा, रस वाली वाली गुजिया तो बहुत सुंदर। दही जलेबी खाइए। एक बात तो है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेले में थोड़ा खाना सही नहीं होता, मगर मैं मानता हूँ कि सही है, क्योंकि उनका फ्रेश माल बन रहा है तो मिठाई तो और अच्छी होगी ना। और देखिए बच्चों को छोटे छोटे झूले, वाह। इस झूले का नाम मेरे को पता नहीं है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे इस झूले का नाम क्या है। वैसे अजमेरी गोल्डन नाम दिया हुआ है सर। अरे भैया डायनासोर, इस बार मेले में डायनासोर कहाँ से आ गया भाई, करोड़ों साल बाद फिर से डायनासोर। अरे भैया जी बेमानी ना हो जाए, बच्चे खेल रहे हैं कहीं खा ना जाए बच्चों को। ये झूला भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मगर इसका मेरे को नाम याद नहीं है, खैर पढ़ा तो था अब याद नहीं आ रहा है। मज़ा ही मज़ा है। तो आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं आगे, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं। भाई रेंजर, रेंजर झूला मैंने आज तक कभी नहीं झूला, क्योंकि रेंजर में जो वो उल्टा करके टांगते हैं ना भाई, मुझे बहुत डर लगता है। एक और फीस स्टेशन में मेरा शेडो आ रहा है, बेलपूड़ी खाएंगे। जैन कॉफ़ी हाउस, वाह प्रदीप जैन की। ओ भाई अब निशान है लगाने वाले बच्चों का झूला है, बच्चों का झूला, कार भी हैं मोटरसाइकिल्स भी हैं। अब निशान लगता है यार, मेरा एक निशान ऐसा ही नहीं लगा था ना, मैं कभी जीता हूँ उसमें। बॉम्बे का मशहूर बड़ा पाव, बड़ा पाव खाओ बड़े हो जाओ, वाह बड़े बड़े हो जाओ, बड़ा पाव खाओ मस्त हो जाओ। और क्या मिल रहा है मेले में देखते हैं आगे चल के। देखा है हर बार लेडीज़ों का सामान ज़्यादा मिलता है, ये बेमानी होती है हर बार मेले में कि जेंट्सों का सामान बहुत कम देते हैं वो लोग। टॉयस भाई टॉयस, जिसको पसंद है जाओ, लूट मची है महोत्सव में, ले जाओ अपने अपने घर, फ्री में, फ्री में है, फ्री में। वो बबल्स, बबल्स का तो मज़ा ही अलग है। फिर अचार, हाँ हाँ फिर अचार, लगता कितनी बार अचार खिला के माने हुए। चलिए स्पेशल फरमाइश पे था कि भाई मेरा एक शॉप का रिव्यू हो जाए कि इनकी शॉप क्या क्या दे रहे हैं ये लोग। तो जाइए इनके यहाँ कुछ खरीदिए, खाइए मस्त खाइए, कोई टेस्ट भी अच्छा है, मैंने सब चेक किया हुआ है कि पूरी चीज़ों का।
टेस्ट वाकई में अच्छा है। ये गेम तो मैं कभी नहीं जीता, कोई मिलता क्या था 5 रुपए वाली बट्टी, वो कुछ नहीं मिलता था। सब ऐसे ही है भाई, खेलो मस्त। भाई अब तो कतई मुँह में पानी आने वाला है। मद्रासी मसाला डोसा, अरे भैया यूपी में मद्रासी वाला भेज रहे हो, अरे भैया अब तो यार गेम ढीली करके ही मानोगे, ढील पूरी फिर भी अरे खा जा। ये चीज़ नहीं है, हर बार यही चीज़ के लिए लोग आते हैं, खा जा नाम है खा जा, ये सब पता नहीं कहाँ की डिश है। खैर अगर आपको पता हो तो आप बताइए। बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने और चपटे चने, ये चीज़ बहुत पुरानी है, जो मज़ा आता था खाते थे, 2-2 रुपए के आते थे तब। ये ड्रैगन झूला, ड्रैगन रेल कहते हैं शायद इसे, ड्रैगन रेल कहते हैं। मैंने ये भी नहीं झूला आज तक। छोटी छोटी मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है ना, ये बॉक्सेस कितने अच्छे लग रहे हैं, राजा और महाराजाओं जैसे याद दिलाते हैं, फील दिलाते हैं। ये मुखवास है जो अच्छे लगते हैं। फिर लेडीज़ के वेयर्स हैं, कपड़े से आ रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं अपने, ये चीज़ मेरे बहुत अच्छी लगती है, बांस के आइटम जो होते हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं। थैले भाई मेरे को क्या जरूरत है इसकी, ये भी लेडीज़ का ही है। हाँ ये मुखवास और अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं, मस्त खाओ खाना खाते जाओ। कॉस्मेटिक्स चूँकि एक बार मेरी फ्रेंड तो एक बार लेके भी गई, उसे दोबारा वापस भी करने गई, और 2 घंटे खड़े करवाया उसने मेरे को। कपड़े और शर्ट भी मिल गई, लगता भाई मिल गया, जेंट्सों के लिए भी मिल गया कुछ, मगर फिर लेडीज़ आ गया। मुझे लगता है आधे ज़्यादा मेला तो लेडीज़ों के लिए बना रहता है, हम लोग का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, हम लोग खरीदते नहीं है कोई गेम, सबसे ज़्यादा हम लोग की डेली होती है ना। अब आइए, हाँ घर के कुछ सजावटी सामान तो उन गमलों के लिए, पॉट गमले लगाइए सुंदर सुंदर इनमें गमलों में, और फिर कपड़े वही सब खिलौने बच्चों के, है ना। भूत या मांस, वाह 5 डिग्गे पीजिए, अगर 5 डिग्गे नहीं पी तो मज़ा ही अलग है। और चलते हैं आगे देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो दिल से झांसी है, दिल वालों की झांसी है, तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ऊपर यूट्यूब की लिंक दी हुई है, उस पर जाइए, उस पर सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं ना शेयर करने से बढ़ता है प्यार और प्यार से बढ़ता है परिवार। तो दिल से झांसी के परिवार में आप भी ज्वाइन होते जाइए, क्योंकि जो वीडियो आएंगी वो आपके लिए एक अच्छी वीडियो होंगी, एक पॉजिटिव वीडियो होंगी। तो अच्छा लगता है कि झांसी के बारे में लोग जाने कि झांसी क्या है, क्योंकि कहते हैं ना झांसी के नाम हमने सिर्फ इतिहासों में पढ़ा है, तो लोग सिर्फ इतिहास को जानते हैं कि झांसी की रानी थी हमारी, उस नाम से जानते हैं। फिर तो उसके बाद एक ही नाम से और जानते हैं, वो है ध्यानचंद जी के नाम से, जो हमारे माननीय ध्यानचंद जी थे, जो हॉकी के सुपरस्टार थे उस समय। आपने कभी बात नोटिस की है, हर 100 साल में एक नाम उभरता है झांसी का। 100 साल पहले 1857 में उनका नाम आया था झांसी की रानी का, और फिर 100 साल बाद यानी कि 1950 में फिर नाम आया ध्यानचंद जी का, जो सर्वश्रेष्ठ हॉकी मैन का नाम चुना गया था। तो दोस्तों अब झांसी का नाम अब हमें अपने स्तर पर लेके जाना है, तो यूथ जनरेशन जो है वो झांसी में कुछ करके दिखाए, कुछ करे, ये हमारी आशा है। झांसी का नाम सिर्फ इतिहासों में रहे ये मंजूर नहीं, कुछ नया करना होगा हमें, क्योंकि झांसी हमारी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि का नाम सर्वश्रेष्ठ होता है हमारे नाम से ऊपर। हमारी असली पहचान झांसी होनी चाहिए, बुंदेलखंड होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई अच्छी पॉजिटिव वीडियो हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे पास जो एक अच्छी वीडियो है, तो मैं उस वीडियो को अपने चैनल पर ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव वीडियो का ही हम समर्थन करते हैं। अच्छे अच्छे फूल लगाइए, सुंदर बनाइए अपने घर को, और बेहतरीन सजाइए। कारपेट्स मिलते हैं, और बेहतरीन कारपेट्स के साथ आप अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं।
आगे चलते हैं हम, और कारपेट्स ही कारपेट्स हैं, सुंदर सुंदर राजस्थानी कारपेट्स। शायद अब ऐसा तो बताते राजस्थानी हैं, मगर पता नहीं, अगर आपको नॉलेज हो कि कारपेट्स सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, किस शहर के सबसे अच्छे कारपेट्स होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि ये भाई बता रहा था कि ये कारपेट अच्छे हैं, उनके कॉस्ट भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो आगे चलते हैं, कुछ नई चीज़ें, कोई नई बात। फिर से लकड़ियों के खिलौने, वाह ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, बहुत अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें, कोई सजाने में ही बहुत अच्छी लगती है, शोभा भी बढ़ती है, अच्छा भी लगता है। और दोस्तों वीडियो का एंड में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें।